की बात है, दिल्ली जैसे मशहूर शहर में अचानक से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए थे, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी के आगे कोरोना को हार माननी पड़ी थी, जिनमें से एक रानी भी थी। रानी शहर के फुटपाथ पर रहने वाली वो लड़की थी जिसके ना तो माता पिता थे और ना ही कोई दूसरे रिश्तेदार। वो रोड पर ही भीख मांगती थी और भीख से ही कमाए गए पैसों से ही वो अपना पेट पालती थी, जिसकी जिंदगी में कोरोना ने कोई दस्तक ही नहीं दे पाई थी, क्योंकि उसे कोरोना महामारी का तो डर था, पर भले ही शहर भर में कोरोना कितना ही बढ़ जाए, उसे अपना पेट पालने के लिए भीख मांगनी ही पड़ती थी। कभी पुलिस के डंडे खाने के बावजूद भी उसे पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ता था, तो कभी उसे कचरे के ढेर में पड़े हुए खाने से ही अपनी भूख मिटानी पड़ती थी। भी एक दिन अचानक उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। उसे काफी तेज बुखार था और खांसी जुकाम ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। भी उसे पता चलता है कि कुछ दूरी में ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और वहाँ वैक्सीनेशन का काम भी चालू है, इसलिए रानी बिना देरी किए जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वहाँ गरीब लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं थी, अमीर लोग कार्यकर्ताओं को घूस देकर वैक्सीन लगवा रहे थे, वहीं गरीब लोगों का बीमारी से काफी बुरा हाल था, जिनमें से रानी भी एक थी। ताकि किसी तरह से उसने अपना कोरोना टेस्ट तो करवा लिया, पर उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब उसे वैक्सीन की जरूरत थी। पर जब वो वैक्सीन लगवाने पहुंची, तब वहां सभी अमीर लोग मौजूद थे और कार्यकर्ता उनके वैक्सीनेशन का काफी अच्छे से ख्याल रख रहे थे, वहीं गरीब लोगों को धक्के मार कर बाहर निकाला जा रहा था। बेचारी रानी बीमारी से तड़प रही थी और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि रानी ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की कि उसे वैक्सीन की काफी ज्यादा जरूरत है, पर कोई उसकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी अचानक वहां वीर प्रताप नाम का एक अमीर व्यक्ति पहुंचता है, जो रानी से कहता है कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या तुम्हारी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? तभी रानी कहती है कि हाँ, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए खड़ी हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीर लोगों की बात ही सुनी जा रही है। रानी की ये बात सुनकर वीर प्रताप हैरान रह गया था और इसलिए वो वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को उनकी गलती का एहसास दिलाने का फैसला करता है। तभी जब वहाँ के कार्यकर्ता अमीर लोगों से घूस लेकर उन्हें वैक्सीन लगा रहे थे, तभी वीर प्रताप उनकी वीडियो बना लेता है और इस वीडियो के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस सबूत के साथ उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी थी और तुरंत ही वहां दूसरे कार्यकर्ता भी आ चुके थे, जिन्होंने अब ईमानदारी के साथ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया था। और इसी तरह वीर प्रताप तुरंत रानी को वैक्सीन लगवाता है और उस अनाथ लड़की को अपने घर ले जाता है, जहां वो उसकी खूब केयर करता है और अपने घर का ही एक सदस्य बना लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।